नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से बस इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स नॉर्थ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर देन इट टर्न्स लेफ्ट थ्रू 90 डिग्री इफ द स्पीड रिमेन्स अनचेंज आफ्टर टर्निंग द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द बस इन टर्निंग प्रोसेस ऑप्शन दे रखे हैं पॉइंट किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग साउथ वेस्ट डायरेक्शन जीरो फिफ्टी किलोमीटर पर आवर या फिर सेवनटी पॉइंट सेवन किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अरे ना इफ़ यू नोटिस दिस क्वेश्चन अगर इसको आप ध्यान दें तो बस पहले अपनी ऐसे जा रही है पचास किलोमीटर पर आवर से उसके बाद बस ने नाइन्टी uh, डिग्री का टर्न लिया है और टर्न uh, लेफ्ट तो अगर अपनी बस इस तरफ टर्न कर गई है सो दिस इज माय इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड सॉरी 50 मीटर किलोमीटर पर आवर ये अपनी इनिशियल वेलोसिटी हो गई और ये अपनी फाइनल वेलोसिटी है या स्पीड है 50 किलोमीटर पर आर और यहाँ पे भी अपनी स्पीड सेम रही 50 किलोमीटर पर आर हालाइट हमें ये बताना है कि उसका चेंज इन स्पीड क्या होगा इफ uh, अपने को इसेंशली एक्सेशन बताना है यहाँ पे या चेंज इन वेलोसिटी बताना है हालाइट right? uh, अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेशन आ जाएगा पर यहाँ पर अपने को सिर्फ चेंज इन स्पीड बताना है हालाइट सॉरी चेंज इन वेलासिटी बताना है सो चेंज इन वेलासिटी डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं वी टू माइनस वी वन ये अपनी चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी नाउ v1 को हम या इनिशियल वेलोसिटी को लिख सकते हैं या फाइनल वेलोसिटी जो है इसको अगर आप इस डायरेक्शन में लिखेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस फिफ्टी आई कैप ये हमारी इनिशियल ये हमारी सॉरी फाइनल वेलोसिटी हो गई माइनस आप इनिशियल वेलोसिटी को लिख सकते हैं फिफ्टी जे कैप सो दिस विल बी फिफ्टी जे कैप सो अपनी चेंज इन वेलोसिटी आ गई माइनस फिफ्टी आई कैप माइनस फिफ्टी जे कैप नाउ इस वेक्टर की अगर हम बात करें तो इस वेक्टर का अगर हम डायरेक्शन देखेंगे और इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो दोनों एक साथ अगर नोटिस करें तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड वो है अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर सो दैट विल बी 50 रूट टू और ये 70.7 पॉइंट सेवन आ जाता है सो so मैग्नीट्यूड हो गया सेवनटी पॉइंट सेवन किलोमीटर पर आर तो या तो ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर जिस चीज़ पर लोग अक्सर अटक जाते हैं वो है इसकी डायरेक्शन नाउ अपनी डायरेक्शन आई माइनस आई कैप और माइनस जे कैप ये अपने को वेक्टर से पता है यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको सिखाना चाहूँगा कि ये हमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में और वेक्टर के डायरेक्शन में ये पता है कि अगर यहाँ पे ये यह आपका एक्स और वाई कोर्डिनेट है तो यहाँ पर कोई भी वैक्टर इस तरफ अगर डायरेक्टेड है तो उसका आई कैप भी प्लस होएगा उसका जे कैप भी प्लस होएगा जो भी इस तरफ डायरेक्टेड वैक्टर है आई कैप और माइनस में होएगा और जे कैप प्लस होएगा इस तरफ जो भी वेक्टर पॉइंट कर रहा है उसका आपका आई कैप तो प्लस में आएगा और माइनस जे कैप आएगा इस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर होएगा माइनस आई कैप और माइनस जे कैप आएगा इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं ये जो डायरेक्शन है ये आपकी डायरेक्शन पॉइंटेड होएगी साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन में अब क्योंकि फिफ्टी और फिफ्टी दोनों सेम है सो हम इसको कह सकते हैं ये एग्जैक्ट आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई सो इस दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सेवेंटी पॉइंट सेवन किलोमीटर पर आ साउथ वेस्ट Uh, direction will be the correct answer.